हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं ममता अपने चैनल में आप सब दोस्तों का तहे दिल से कर रही हूँ वेलकम। और कैसे हैं आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम है लगभग 10:30 बजे का और आज बहुत तेज़ वाली धूप है। तो तेज़ वाली धूप में देखिए प्लांट्स भी कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं और कितने अच्छे अच्छे फ्लावर जो है आजकल खिले हुए, क्योंकि ये बाहर का मौसम है। ये वाले मौसम में जो होते हैं ना, बहुत सारे फ्लावरिंग होती है। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ छोटू बेबी सनफ्लावर की। तो इसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, देख सकते हैं आप कितना प्यारा प्यारा लग रहा है और कितने ढेर सारे इसमें फूल जो है आए हुए हैं, क्योंकि ये इसी सीज़न में ये खिलता है। तो मैं आपके साथ आज इसी के बारे में वीडियो जो है शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी ग्रोथिंग हुई है और वो कितना ही सुंदर लग रहा है। तो और भी ज़्यादा ढेर सारे फ्लावर जो है मेरे गार्डन में खिले हुए हैं, जैसे कि आपको पता है मेरे टेरिस गार्डन में प्लांट्स हैं। तो चलिए बात करते हैं छोटू बेबी सनफ्लावर की। तो गाइस, ये ना बहुत, मतलब कि ये जो समर सीजन में ना ये प्लांट्स जो है ना डैमेज हो जाता है। इसकी जो मतलब कि ये रूट्स होती है ना, रूट्स अच्छी रहती हैं, लेकिन इसकी जो ये लीव्स होती है ना, ये मतलब रूट्स कुछ ख़राब सी हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया था, आपको भी ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको भी अगले नेक्स्ट सीजन के लिए इसको बचा के रखना है। तो इसको हमेशा कटिंग से ही ग्रो करें। जो मतलब जिस पॉट में आपने इसको लगा के रखा होता है, उसमें अगर आपकी टहनियाँ, आपकी प्लांट्स की कलियाँ कुछ ख़राब हो गई हैं, तो इसकी जो नई नई ब्रांचेज हैं आगे से, जिसकी जो नई नई पत्तियाँ हैं हरी भरी, उसको आप कटिंग करिए और कटिंग से लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कटिंग से ही ये वाला जो है ग्रो करा है। ये मैंने अभी कुछ ये वाले गमले में भी अभी कुछ लगाया है, मतलब वो 20 दिन पहले ही लगाया है। तो देख सकते हैं आप कितना हरा भरा और कितना खूबसूरत लग रहा है ना, एकदम भरा भरा गमला, और इतने छोटू बेबी सनफ्लावर जो है आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है लग रहे हैं। तो इसको आप हर सीजन में, हर समर में, मतलब जैसे कि ख़त्म होता है प्लांट का सीजन, तो ये पुराना है, ये पुराना पॉट है जिसमें ये पुराना ही है, तो इसको मैंने दोबारा से ग्रो नहीं करा है, वैसा का वैसा ही रहने दिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी कुछ लीफ, मतलब कि ये पत्तियां जो काली पड़ गई हैं। मैं इसको निकालती रहती हूँ, डैमेज पत्तियों को निकालते रहिएगा और निकालते कि रहिए, इसकी थोड़ी सी देखभाल करते रहिए, तो ये भी अच्छे से चल जाता है। तो देख सकते हैं ये पुराने वाला है और इसी से मैंने न्यू लीव्स निकाल के, न्यू जो है टहनियाँ निकाल के न्यू गमले में शिफ्ट करी हैं। तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसमें थोड़ा सा कुछ अलग दिख रहा है, क्योंकि ये हैंगिंग वाला प्लांट है, बहुत अच्छा हैंगिंग, बहुत लंबा हो गया था, तो मैंने आगे से काट के इसकी ग्रीन ग्रीन जो है टहनियाँ निकाल के दूसरी जगह में शिफ्ट कर दी थी, मतलब लगा दी थी। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से है ये पुराना मेरा पॉट। तो मैंने नहीं निकाला इसको, तो उसकी जो डैमेज पत्तियाँ वो निकाल के साफ़ कर दे रही हूँ, और ताकि ये देखने में अच्छा लगे और सुंदर लगे। इसमें भी काफ़ी सारी लीव्स थी तो इसलिए मैंने इसको रहने दिया, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे फूल खिले हुए। तो आप ऐसा करिए, ज़रूर इसको कटिंग से दूसरे गमले में, दूसरे पॉट में शिफ्ट करिए। दूसरे पॉट में शिफ्ट करने के साथ फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इसकी खूबसूरती जो है बढ़ जाती है। देख लीजिए, इसमें एक भी लीफ पत्ता जो है वो ख़राब नहीं है। तो आप इसकी सीड्स रख सकते हैं, ये जो फ्लावर होते हैं इसके ऊपर सीड्स आती हैं, आप देख सकते हैं ये सीड्स आ रहे हैं। तो आप इसकी सीड्स को संभाल के रख सकते हैं और नेक्स्ट सीजन के लिए इसको बचा के रख सकते हैं और इसको तो फिर से ग्रो कर सकते हैं। तो वैसे तो ये प्लांट कहीं नहीं जाता है, एक बार अपने गार्डन में शामिल कर ले तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो मैं इसको बचा के रख लेती हूँ कहीं भी, मतलब कि ऐसे पुराना भी पड़ा रहता है तो मैं बचा के रख लेती हूँ, और जैसे नया सीज़न इसका शुरू होता है तो मैं कटिंग से इसको ग्रो कर लेती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये देखिए इसको मैंने अभी अभी ग्रो करा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो मतलब हर प्लांट का अपना सीजन होता है, सीजन के हिसाब से ही प्लांट जो है चलते हैं। कुछ कच्चे प्लांट होते हैं जो मतलब एक दो महीने या छः महीने चलने वाले होते हैं, कुछ जो होते हैं वो सदाबहार होते हैं। ले और क्या, प्लांट कोई भी हो उसकी अपनी ही खूबसूरती होती है, वो आपने अपने ही तरीके से आपने आपके जो गार्डन को चार चांद लगा देता है। तो देख सकते हैं कितने ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है और तेज़ धूप में भी ये प्लांट अच्छे से चल जाता है। इसको ज़्यादा मतलब कि केयर की ज़रूरत नहीं होती है। देख सकते आप कितना सुंदर सुंदर लग रही है, मैंने अभी अभी ग्रो करा है और काफ़ी तेज़ी से ये ग्रो हो जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ये सनफ्लावर बेबी प्लांट है और बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। इसको आप पानी भी मतलब डेली नहीं भी दे तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको आप इंडोर रखिए या आउटडोर रखिए, कहीं भी रखिए, लेकिन हाँ ये धूप में बहुत अच्छा रहता है। धूप में इसमें की धूप में ही इस प्लांट में फ्लावरिंग जो है होती है,
नहीं तो ये जो छांव में रहता है ना तो कम फ्लावर आते हैं। तो देख सकते हैं कितने सारे फ्लावर है, और मेरे पास ये चार पांच पॉट में कम से कम हो गया है। मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा हुआ है, देख सकते हैं आप। इसी तरह इसकी आगे की लीव्स जो है, आगे की छोटी सी टहनी काट के कहीं भी इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो लगाइए अपने गार्डन में ये छोटू बेबी सनफ्लावर और अपने गार्डन की सुंदरता को बढ़ाइए, क्योंकि आपको पता है सूरज के जैसे खिलने वाला ये प्लांट, और जब सूरज और ये प्लांट एक साथ खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय।